नमस्ते डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है कि कई जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अर्थात वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आखिर ये हम लोग करते कैसे हैं? आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा माइक्रोफोन्स में, आप लोग सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, उनमें माइक्रोफोन प्रेजेंट है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो साउंड सिग्नल्स है, है ना, उनको क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो आखिर ये हो कैसे रहा है, किसकी मदद से हो रहा है? साथ ही साथ आपने इलेक्ट्रिक मोटर भी देखा होगा, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोटर चल रही है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसे क्या किया जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर, है ना। कई जगह पर इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ट्रांसड्यूसर जो है एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है जो एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसा कि हम लोगों ने इसका यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि ट्रांसड्यूसर्स आर दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, है ना। साथ ही साथ इसका एक और डेफिनेशन है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। सो ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गए, माइक्रोफोन्स हो गया, मोबाइल का लाइट बल्ब हो गया, है ना। लाइट बल्ब क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ये साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर रहा है ना। हमारा इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आखिर कन्वर्जन करता कैसे है, इस डिवाइस ट्रांसड्यूसर की मदद से ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो आप इस प्रकार से भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है ना। और हम तो आपको ऐसा सजेशन देंगे कि आप इन दोनों को ही और करके डेफिनेशन में लिखेगा, ओके। तो ट्रांसड्यूसर्स क्या है, आर दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, समझ गए होंगे, है ना, एंड इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एग्जांपल्स भी आप समझ गए। अब बात आती है कि बेसिकली जो ट्रांसड्यूसर है वो आखिर क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बेसिकली जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो दो एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, एक होता है आपका सेंसिंग एलिमेंट और एक होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट, ओके। जो सेंसिंग एलिमेंट है इसका केवल और केवल काम क्या है कि जो भी आपने इनपुट दिया, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट है या इलेक्ट्रिकल इनपुट है, जो भी आपने दिया है ना, उसको ये क्या करता है, सेंस करता है और रिस्पॉन्स करके ट्रांसडक्शन एलिमेंट को दे देता है। और ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है मेरे प्यारे व्यूवर्स, ट्रांसडक्शन एलिमेंट जो भी सिग्नल है ना सेंसर रिस्पॉन्स करके दिया है ना, उसको वो क्या करेगा, उसको वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा या फिर अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, आप ऐसा कह सकते हो। सो बेसिकली ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, है ना, वन इज सेंसिंग एलिमेंट एंड द अदर इज ट्रांसडक्शन एलिमेंट। अब बात आती है कि इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम ट्रांसड्यूसर का हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसडक्शन एलिमेंट के डेफिनेशन की चर्चा कर ली जाए, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसके डेफिनेशन को लिख के रखा है, यहाँ पर देखिए, ओके। सेंसिंग एलिमेंट, फिजिकल क्वांटिटी और इट्स रेट ऑफ चेंज इज सेंस्ड एंड रिस्पॉन्स्ड, है ना। आपने जो भी फिजिकल क्वांटिटी इनपुट पर प्रोवाइड किया उसको ये सेंसिंग एलिमेंट क्या करता है, सेंस करता है और रिस्पॉन्ड करके, है ना, कुछ रिस्पॉन्स देता है उस इनपुट पर, रिस्पॉन्ड करके वो क्या करता है, ट्रांसडक्शन एलिमेंट इसको दे देता है। ये क्या करता है, जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ओके। अब इसके ब्लॉक डायग्राम को भी एक बार देख लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा है ना। सबसे पहले ये है इनपुट आपका, यहाँ पर देखिए इनपुट, ओके, ये इनपुट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, डेट इज द सेंसिंग एलिमेंट, ये क्या है आपका, सेंसिंग एलिमेंट है।
जो भी आपने इनपुट दिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो, जो भी आपने दिया उसको ये क्या करेगा, पहले तो सेंस करेगा कि भाई साहब ये कैसा सिग्नल है, क्या है, नहीं है, है ना। सब कुछ वो सेंस करने के बाद एक रिस्पॉन्स भेजेगा, है ना। सेंसर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा किसको, ट्रांसडक्शन एलिमेंट को एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि भाई देखो इस प्रकार का सिग्नल है तुम्हें कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ट्रांसडक्शन एलिमेंट इस सिग्नल को जो सेंसर ने दिया है रिस्पॉन्स करके, इसको ये एक सिग्नल में अनदर सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल गया। ओके, सो ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है आपका ट्रांसड्यूसर का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में तो हम लोगों ने केवल और केवल ट्रांसड्यूसर्स की चर्चा की कि ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, है ना, इसका ब्लॉक डायग्राम और इसका कुछ एग्जांपल्स देखा। लेकिन आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ ट्रांसड्यूसर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे रिजल्ट्स पर बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स पर भी बात करेंगे। ओके, साथ ही साथ ट्रांसड्यूसर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज पर भी काफ़ी चर्चा करने वाले हैं हम लोग आने वाले वीडियोस पर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल द फिज़िक्स फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे व्यूअर, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप बीएससी फिज़िक्स में हैं और अगर आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के रिगार्डिंग वीडियोस खोज रहे हैं, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर से आप एक बार ज़रूर चेक करें, मे बी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग ट्रांसड्यूसर्स से रिलेटेड और भी थिंग्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।